हेलो फ्रेंड्स, टेम्परेचर स्ट्रेस के फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस की बात की थी। कुछ केसेस मैंने आपको बताए थे, उन केसेस के थ्रू हमने टेम्परेचर स्ट्रेस को समझा था और कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज इस टेम्परेचर स्ट्रेस के सेकेंड पार्ट में हम कंपोजिट बार के अंदर स्ट्रेसेस किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं या टेम्परेचर स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पे कंपोजिट बार पे टेम्परेचर स्ट्रेस को इफेक्ट को समझने के लिए दो केस बताए। फर्स्ट केस, जब टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो क्या होगा। तो शुरुआत करता हूँ केस वन। देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय टी डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक कंपोजिट बार के अंदर टी डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या इफेक्ट होगा उसकी बात करते हैं। देखिए, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो एक्सपेंशन होगा, चाहे कोई भी मटेरियल हो, कॉपर हो या स्टील हो, दोनों के अंदर एक्सपेंशन होगा। अब अल्फा सी इज ग्रेटर देन अल्फा एस है, मतलब कॉपर के अंदर जो एक्सटेंशन होगा वो स्टील के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो देखिए, मैंने ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन से बताया वो कॉपर के अंदर एक्सटेंशन को बताता है, और ये जो वाली जो लाइन है ये स्टील के अंदर, ये जो ब्लैक लाइन है ये स्टील के अंदर एक्सपेंशन को बताता अगर ये फ्री एक्सपेंशन होता, मतलब कॉपर स्टील के अंदर अलग अलग एक्सपेंशन होता। लेकिन ये कंपोजिट है, कंपोजिट मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों मटेरियल जो है वो एक जैसे बिहेव करेंगे, मतलब दोनों के अंदर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन सेम होगा, इसलिए मैंने इसको बोला ये डेल्टा नेट। तो अब इन दोनों मटेरियल के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि इसके अंदर पूरा एक्सपेंशन नहीं होता, मतलब एक्सपेंशन सिर्फ इसी पॉइंट तक होता है, इसी लेयर तक होगा, और स्टील के अंदर जो एक्सपेंशन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब इस लेयर तक होता है। तो जो नेट एक्सटेंशन है दोनों के अंदर वो सेम होता है, क्लियर। अब इसके कारण क्या होता है, देखिए जो कॉपर है उसके अंदर एक्सटेंशन इतना होता और आपने उतना होने नहीं दिया, मतलब एक्सपेंशन को रेस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, और रेस्ट्रिक्ट करने के कारण उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होंगी। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम एक्सपेंशन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं एक्सपेंशन होने से, तो फिर मटेरियल के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला कि इस कॉपर के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी और स्टील के अंदर इसके अपोजिट टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी, क्लियर, और इसी के कारण, टेंसाइल के कारण ये यहाँ से इतना इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। अब मुझे स्ट्रेस कैलकुलेट करना है और दोनों मटेरियल के अंदर स्ट्रेस चाहिए, मतलब दो इक्वेशन चाहिए, तो वो दो इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता हूँ मैं, फर्स्ट कंडीशन कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस का समीशन जीरो हो। तो मैंने लिखा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए, मैंने कहा कंप्रेसिव फोर्स इन कॉपर इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स इन स्टील, क्लियर, कि जितना कंप्रेसिव फोर्स कॉपर के अंदर होगा उतना ही टेंसाइल स्ट्रेस स्टील के अंदर होगा। दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है, या इसको कंप्रेसिव है तो इसको नेगेटिव बोल दिया, इसको पॉजिटिव बोल दिया, इज इक्वल टू जीरो, ठीक, या दोनों को इक्वेट कर लीजिए तो ये हो गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो मिली वो ये मिल गई, सिग्मा सी इंटू ए सी इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू ए एस, दिस इज इक्वेशन वन, मतलब सिग्मा सी और सिग्मा एस के बीच में एक रिलेशन मिल गई। अब एक इक्वेशन और मिल जाए, एक रिलेशन मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो चलिए सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि डेल्टा नेट जो है वो कॉपर और स्टील के लिए इक्वल होगा क्योंकि कंपोजिट है। तो मैंने लिखा इन केस ऑफ कंपोजिट मटेरियल डेल्टा नेट कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा नेट स्टील, क्योंकि दो मटेरियल हैं इसलिए दो की बात की, अगर तीन होते तो तीन लिख लेता मैं, क्लियर। अब डेल्टा नेट कॉपर कितना होगा, तो देखिए कॉपर के अंदर जो फ्री एक्सपेंशन हो रहा था उसमें से कोई क्वांटिटी को माइनस करना होगा। अब वो क्वांटिटी कितनी माइनस होगी, पहले तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ कॉपर लिखा मैंने, ठीक है, फ्री एक्सटेंशन इन कॉपर माइनस किसके कारण, यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हुई उसके कारण जो चेंज होगा वो कितना चेंज होगा, सिग्मा सी अपॉन ई सी, ये स्ट्रेन हो गया, एल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इस क्वांटिटी को बोला मैंने कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू सिग्मा सी, क्लियर। अब यहाँ पे डेल्टा नेट स्टील कितना होगा, तो देखिए जो फ्री एक्सपेंशन स्टील के अंदर होता वो तो हो गई,
प्लस, अभी देखिए यहाँ से इतना इंक्रीज हो रहा है और ये जो प्लस हो रहा है वो कौन करेगा, वो इस स्टील के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है उसके कारण होगा। तो वो कितना होगा, उसको मैंने सिग्मा एस बोला, तो सिग्मा एस अपॉन ई एस, ये स्ट्रेन हुआ, एल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्लियर। तो ये आपको इक्वेशन मिल गई। अब इसमें इस टर्म को यहाँ ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो फाइनल इक्वेशन ये आ गई, क्लियर। मतलब यहाँ पे सिग्मा सी और सिग्मा एस के बीच में एक रिलेशन और मिल गई। बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट सिग्मा एस एंड सिग्मा सी, क्लियर। मतलब स्ट्रेस स्टील के अंदर और कॉपर के अंदर हम कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन के थ्रू, क्लियर। अब केस टू की बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि डिक्रीज इन टेम्परेचर बाय टी डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक कंपोजिट बार का टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है तो क्या होगा। देखिए अगर ये कॉपर और स्टील सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट होते, टेम्परेचर डिक्रीज होता मतलब कॉन्ट्रेक्शन होता, तो अगर सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट होते तो कॉपर के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन होता वो इतना होता और स्टील के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन होता वो इतना होता, ठीक है, ये इतना होता। क्यों, क्योंकि अल्फा सी की वैल्यू ज़्यादा है अल्फा एस से, मतलब कॉपर के अंदर कॉन्ट्रेक्शन ज़्यादा होगा इसलिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये तो कंपोजिट सेक्शन है और कंपोजिट होने के कारण इन दोनों मटेरियल के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है और नेट चेंज इन लेंथ जो होती है वो सेम होती है, क्लियर। तो क्या होगा इसके कारण, तो देखिए जो कॉपर के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता वो अब फुल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, मतलब इतना कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, सिर्फ कॉन्ट्रेक्शन इतना होगा, ठीक। मतलब आपने कॉन्ट्रेक्शन को प्रिवेंट किया, कॉन्ट्रेक्शन जो होना था पूरा उतना नहीं होने दिया, इस कारण से उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगी। तो मैंने लिखा कि स्ट्रेसेस इन कॉपर इज टेंसाइल, क्लियर। अब जो कॉन्ट्रेक्शन स्टील के अंदर होना था उससे आपने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इस कारण वो किसके कारण हुआ, कंप्रेसिव फोर्स के कारण हुआ होगा, इसीलिए मैंने कहा कि स्ट्रेसेस इन स्टील जो है वो कंप्रेसिव होगी, ठीक है। चलिए अब मुझे ये पता है कि दोनों मटेरियल के अंदर डेल्टा नेट की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब मुझे दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि स्ट्रेसेस इन कॉपर एंड स्ट्रेसेस इन स्टील, तो दो इक्वेशन चाहिए। अब जितना कंप्रेसिव फोर्स स्टील के अंदर होगा उतना ही टेंसाइल फोर्स इस कॉपर के अंदर होगा, और इसी कंडीशन से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो मैंने लिखा कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन जीरो हो, ठीक है। अब टेंसाइल फोर्स इन कॉपर इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इन स्टील, इन दोनों को इक्वेट किया तो ये वैल्यू आ गई, क्लियर। या दूसरे वर्ड में बोल दीजिए कि स्टील के अंदर जो स्ट्रेसेस है वो कंप्रेसिव है इसलिए उसका साइन नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस इज इक्वल टू जीरो, या दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो वो इक्वेशन आ गई, क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड कंडीशन में हम सिग्मा नेट कॉपर इज इक्वल टू सिग्मा नेट स्टील लिख लेते हैं कि कंपोजिट मटेरियल के अंदर दोनों मटेरियल के अंदर जो चेंज इन लेंथ है वो सेम होगा। तो देखिए क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। अगर फ्री कॉन्ट्रेक्शन इन कॉपर होता तो उसकी वैल्यू क्या होती, माइनस अल्फा सी टी एल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फुल कॉन्ट्रेक्शन तो हुआ नहीं, कितना कम हुआ, इतना कॉन्ट्रेक्शन कम हुआ, और ये किसके कारण हुआ, ये कॉपर के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हुई उसके कारण कम हुआ, ठीक है। तो अब टेंसाइल स्ट्रेसेस सिग्मा सी के कारण जो चेंज इन लेंथ होगा उसको हम लिखेंगे सिग्मा सी अपॉन ई सी इन टू एल, यहाँ तक क्लियर। अब राइट साइड की बात करते हैं, स्टील के अंदर देखते हैं क्या होगा। स्टील के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन होता फ्री कॉन्ट्रेक्शन उसकी वैल्यू होती माइनस अल्फा एस टी इन टू एल, यहाँ तक क्लियर। अब लेकिन इसके अंदर तो कॉन्ट्रेक्शन ज़्यादा हुआ है और वो किसके कारण हुआ, वो सिग्मा एस जो स्टील के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हुई है उसके कारण, वो कॉन्ट्रेक्शन कितना होगा, माइनस सिग्मा एस अपॉन ई एस इन टू एल, क्लियर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इस टर्म को यहाँ ले आइए और इस टर्म को उधर ले जाइए, तो फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो ये आ जाएगी, क्लियर। मतलब बाय यूजिंग इक्वेशन टू एंड इक्वेशन वन वी कैन फाइंड आउट सिग्मा सी एंड सिग्मा एस। हम कॉपर के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू और स्टील के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बार की बात करते हैं। अगर डिफरेंट मटेरियल की बार को हम एंड टू एंड कनेक्ट करें और फिर उसके बाद टेम्परेचर
चेंज का इफेक्ट देखें तो किस तरह की स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं मटेरियल के अंदर, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो केस में डिवाइड करता हूँ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो किस तरह की स्ट्रेस इंड्यूस होंगी उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए केस वन, इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने दो डिफरेंट मटेरियल की बार को कनेक्ट किया एंड टू एंड और दोनों एंड फिक्स्ड है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ई अल्फा और एल की वैल्यू अलग अलग हैं दोनों मटेरियल के लिए, क्लियर। अब जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं मतलब इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और दोनों एंड फिक्स्ड हों तो क्या होगा, दोनों मटेरियल के अंदर एक्सटेंशन होगा, लेकिन दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो एक्सटेंशन हो नहीं पाएगा और एक्सटेंशन प्रिवेंट किया आपने, इस कारण से दोनों मटेरियल के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होंगी, क्लियर। मैंने इसीलिए लिखा यहाँ पे कि स्ट्रेसेस इन बोथ द मटेरियल आर कंप्रेसिव, क्लियर। अब जब मुझे ये पता चल गया कि दोनों मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस तो कंप्रेसिव हैं, अब उनका मैग्नीट्यूड मुझे कैलकुलेट करना है, तो दोनों मटेरियल के अंदर स्ट्रेस चाहिए मतलब दो इक्वेशन चाहिए। तो फिर अब वो इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि इस एसी पोर्शन के अंदर फोर्स और इस सीबी पोर्शन के अंदर फोर्स की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन या वर्टिकल फोर्सेस का समीशन जीरो होता है, तो इस एसी पोर्शन के अंदर फोर्स और इस बीसी पोर्शन के अंदर फोर्स इक्वल होगा, इसलिए मैंने लिखा कि सिग्मा वन ए वन इज इक्वल टू सिग्मा टू ए टू। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, मुझे पता है कि दोनों एंड फिक्स हैं मतलब नेट चेंज इन लेंथ ऑफ दिस बार इज इक्वल टू जीरो होगा, ये लिखा मैंने यहाँ पे कि डेल्टा नेट बार इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन लेंथ इन एसी इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन सीबी होना चाहिए, ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में बोल देता हूँ कि चेंज इन लेंथ इन एसी प्लस चेंज इन लेंथ इन बीसी इज इक्वल टू जीरो। तो ये लिख दिया इक्वेशन मैंने, यहाँ तक क्लियर। अब डेल्टा एसी की वैल्यू कितनी होगी, तो डेल्टा एसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फ्री एक्सटेंशन इन एसी देखें और जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं उसके कारण जो चेंज इन लेंथ होगी वो दोनों का समीशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा मैंने फ्री एक्सटेंशन इन एसी इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा वन टी एल वन, और इसके अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हुई उसके कारण जो चेंज इन लेंथ होगी वो होगी सिग्मा वन अपॉन ई वन एल वन, ठीक है, और ये माइनस इसलिए लिखा क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, ठीक है। इसी तरह से सीबी पोर्शन की बात करते हैं, सीबी पोर्शन में जो फ्री एक्सटेंशन होता वो कितना होता, अल्फा टू टी एल टू, और इस सीबी पोर्शन के अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हुई उसके कारण जो चेंज इन लेंथ होगा वो कितना होगा, सिग्मा टू अपॉन ई टू इंटू एल टू, ठीक है। मतलब ये वाला टर्म जो लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस सीबी पोर्शन में जो चेंज इन लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। अब इन दोनों का समीशन जीरो होगा, ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, क्लियर। अब इस इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हम सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, और नेचर मुझे पता है कि दोनों के अंदर जो मटेरियल हैं, दोनों मटेरियल उनके अंदर जो स्ट्रेसेस हैं वो दोनों ही कंप्रेसिव हैं, क्लियर। अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता तो क्या होता, तो इसीलिए केस टू की बात करता हूँ, डिक्रीज इन टेम्परेचर बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब दोनों एंड फिक्स हैं और आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो मटेरियल क्या होगा, कॉन्टैक्ट होंगे, और मटेरियल कॉन्टैक्ट हो नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों एंड फिक्स हैं, तो क्या होगा, दोनों के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होंगे। मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्शन रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होती है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि स्ट्रेसेस इन बोथ द मटेरियल आर टेंसाइल, कि दोनों मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेसेस होंगी वो टेंसाइल होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो अननोन हैं तो दो इक्वेशन बना लेते हैं, इस केस में भी ए सी पोर्शन और बी सी फोर्स पोर्शन के अंदर फोर्सेस की वैल्यू इक्वल होगी, और इसीलिए मैंने लिखा कि सिग्मा वन ए वन इज इक्वल टू सिग्मा टू ए टू, ठीक। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन कि अभी भी दोनों एंड फिक्स हैं तो नेट चेंज इन बार इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे लिखा डेल्टा नेट बार इज इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा ए सी प्लस डेल्टा सी बी इज इक्वल टू जीरो होगा, या इसके अंदर डिफ्लेक्शन और इसके अंदर डिफ्लेक्शन इक्वल होगा, ठीक है। मतलब एक के अंदर एक्सटेंशन होगा तो दूसरे के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, एक के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो दूसरे के अंदर एक्सटेंशन होगा, मतलब इन दोनों का समीशन जीरो होगा, क्लियर। अब मुझे डेल्टा ए सी चाहिए,
तो डेल्टा एसी कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ। इस एसी पोर्शन में जो फ्री कॉन्ट्रेक्शन होता वो कितना होता, माइनस अल्फा वन टी एल वन, और इस एसी पोर्शन के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हुई उसके कारण जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा, सिग्मा वन बाई ई वन एल वन, और ये प्लस साइन जो है वो इलोंगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा। इसी तरह से इस सी बी पोर्शन के अंदर जो फ्री कॉन्ट्रेक्शन होता वो वैल्यू होती माइनस अल्फा टू टी एल टू, और इस पोर्शन के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हुई उसके कारण जो इलोंगेशन होगा वो वैल्यू होगी सिग्मा टू बाई ई टू इंटू एल टू। क्लियर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। यहाँ तक क्लियर, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हम सिग्मा वन और सिग्मा टू चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों केसेस के लिए दोनों इक्वेशन सेम है, ये फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन भी सेम है और ये सेकंड सेकंड इक्वेशन भी सेम है। क्लियर, मतलब हम इन दोनों इक्वेशन से चाहे टेम्परेचर राइज हो चाहे डिक्रीज हो दोनों ही केसेस में हम स्ट्रेसेस की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, कंपोजिट बार के कंसेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, एन असेंबली इज शोन इन फिगर इन विच वेट ऑफ रिजिड स्लैब इज नेग्लेक्टेड, कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन ईच रॉड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ असेंबली इज इंक्रीजेस बाय 85 डिग्री सेंटीग्रेड, गिवन डेट देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन कॉपर बार एंड रिजिड स्लैब, ऑल्सो फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू विच एल्यूमिनियम बार विल जस्ट टच द रिजिड स्लैब विदाउट एनी स्ट्रेसेस। क्लियर, यहाँ पे एक ये रिजिड स्लैब गिवन है, ये दो कॉपर रॉड गिवन है, और ये बीच में एल्यूमिनियम एक बार है, सबके क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है दोनों के, यहाँ पे ई और अल्फा की वैल्यूज दोनों मटेरियल के लिए गिवन है। क्लियर, अब इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपसे स्ट्रेसेस दोनों मटेरियल के अंदर पूछी है, कब, जब 80 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है तब, और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि अगर इस एल्यूमिनियम ट्यूब के अंदर इतना एक्सटेंशन हो कि इसको जस्ट टच करे तब इस असेंबली का जो टेम्परेचर राइज होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, शुरुआत करता हूँ फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, क्या, कैलकुलेट स्ट्रेसेस ड्यू टू 85 डिग्री टेम्परेचर राइज, कि 85 डिग्री टेम्परेचर अगर इस असेंबली का मैं इंक्रीज करता हूँ तो फिर दोनों मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस क्या होंगे उसकी बात करते हैं। लेकिन पहले स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के पहले हम सबसे पहले इसके नेचर को समझते हैं, क्योंकि जब तक नेचर आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप दोनों स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ, और सबसे पहले फ्री एक्सटेंशन कॉपर के अंदर देखते हैं। तो मैंने आप लिखा फ्री एक्सटेंशन इन कॉपर, जिसे आपने बोला डेल्टा एफ ई सी यू। ठीक है, एफ ई मतलब फ्री एक्सटेंशन और कॉपर के लिए इसलिए इसको सी यू से रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज अल्फा डेल्टा टी एल, ये क्या है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, इसीलिए मैंने उसको डेल्टा टी लिख दिया, ये 85 है, अल्फा सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास में 1.07 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब फ्री एक्सटेंशन इन कॉपर जो है वो 1.07 मिलीमीटर आया। अब फ्री एक्सटेंशन इन एल्युमिनियम कितना होगा, तो फ्री एक्सटेंशन इन एल्युमिनियम जो है उसको मैंने बोला डेल्टा एफ ई एल्युमिनियम के लिए, वहाँ पे अल्फा डेल्टा टी और एल की वैल्यू पुट कर लीजिए एल्युमिनियम के लिए। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि एल्युमिनियम के लिए जो एल की वैल्यू होगी वो ये आपने यहाँ पे क्या लिखा था 750 माइनस 0.18, क्योंकि एल्युमिनियम की जो बार है वो कॉपर बार से 0.18 मिलीमीटर छोटी है। ठीक है, उसका साइज ये जो गैप है ये 0.18 मिलीमीटर का। क्लियर, वो वैल्यूज पुट कर दी, जब वैल्यूज पुट की तो फ्री एक्सटेंशन इन एल्युमिनियम बार जो आया वो आ गया 1.47 मिलीमीटर। ये 1.47 मिलीमीटर आया, इसका मतलब ये है कि फ्री एक्सटेंशन इन एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा है वो, फ्री एक्सटेंशन इन कॉपर प्लस 0.18। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ और जो है 1.47 मिलीमीटर एक्सटेंड हो सकती थी, लेकिन वो कितनी एक्सटेंड हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है, 1.07 प्लस 0.18, मतलब वो 1.25 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती, मतलब आपने उसके एक्सटेंशन को प्रिवेंट किया, और एक्सटेंशन को प्रिवेंट करने के कारण उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएंगे, और इसीलिए मैंने लिखा कि एल्युमिनियम के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएंगे। अब इसके अंदर कंप्रेसिव आई तो इन दोनों के अंदर कॉपर बार के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाएंगे। क्लियर, क्योंकि
इसमें क्या हुआ, इसमें एक्सटेंशन जो हो सकता था वो कितना हो सकता था, 1.07, और वो कंपोजिट होने के कारण दोनों के अंदर एक्सटेंशन सेम होगा, इसलिए वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इन दोनों के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस आई, क्लियर। अब मैंने वहाँ पे लिखा भी है, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन कॉपर आर टेंसाइल एंड स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन एल्युमिनियम आर कंप्रेसिव। अब यहाँ पे मैं फोर्स के टर्म में लिख दूँ तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, तो मैंने कॉपर के लिए फोर्स लिख दिया और एल्युमिनियम के लिए फोर्स लिख दिया, क्लियर। अब मुझे दोनों मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है। अगर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए, दोनों ने दो इक्वेशन चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, तो मैंने लिखा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर ए गिवन रिजिड स्लैब। अब इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस है, मतलब टेंसाइल फोर्स होगा, तो उसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया, और एल्युमिनियम के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस है, मतलब कंप्रेसिव फोर्स होगा, उसको मैंने नेगेटिव बोल दिया, और ये कॉपर है, इसके अंदर भी टेंसाइल हो गया, क्लियर। तो एक इक्वेशन आ गई कि फोर्स इन एल्युमिनियम इज इक्वल टू टू टाइम्स फोर्स इन कॉपर, क्लियर, क्योंकि दो बार हैं इसलिए वो आ गई। मतलब वर्टिकल इक्वेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में जब आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई तो आपके पास में ये इक्वेशन आ गई, इसमें इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। जब इन वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास में एक फर्स्ट इक्वेशन मिली, वो क्या हो गई, 0.4 सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा सी, दिस इज इक्वेशन वन। अब मुझे एक इक्वेशन और मिल जाए तो मैं स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लूँगा, तो वो इक्वेशन और देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये कंपोजिट सेक्शन है और कंपोजिट असेंबली होने के कारण दोनों बार्स के अंदर जो नेट चेंज इन लेंथ होगी वो सेम होगी, और इसलिए मैंने लिखा कि डेल्टा नेट एल्युमिनियम इज इक्वल टू डेल्टा नेट कॉपर, क्लियर। अब डेल्टा नेट एल्युमिनियम कितना है, तो डेल्टा नेट एल्युमिनियम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फ्री एक्सटेंशन इन एल्युमिनियम माइनस, देखिए एल्युमिनियम के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस आने के कारण उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रेक्शन होगा, और वो कॉन्ट्रेक्शन कितना होगा, सिग्मा ए अपॉन ई ए इंटू एल, यहाँ तक क्लियर। तो ये आ गया डेल्टा नेट एल्युमिनियम। अब डेल्टा नेट कॉपर क्या होगा, तो उसके अंदर भी फ्री एक्सटेंशन इन कॉपर प्लस, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है कॉपर के अंदर, तो मैंने क्या लिखा, सिग्मा सी अपॉन ई सी इंटू एल सी, यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कॉपर बार के अंदर एक्सटेंशन है वो इस 0.18 से और, मतलब 0.18 और ज़्यादा होगा, तो मैंने वहाँ पे 0.18 लिख दिया। या आप ये भी कर सकते हैं कि जो एल्युमिनियम बार है, ठीक है, उसके अंदर जो डिफरेंस है वो गैप कितना, 0.18 का, मतलब यहाँ पे मैं 0.18 माइनस कर लूँ, नेट चेंज इन लेंथ जो होगा वो गैप है तो 0.18 कम होगा, तो इधर माइनस कर लीजिए या उधर प्लस कर दीजिए, क्लियर। तो अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, तो आपको स्ट्रेसेस मिल जाएंगे स्टील के अंदर, सॉरी कॉपर के अंदर और एल्युमिनियम के अंदर। तो जब कॉपर और एल्युमिनियम के अंदर आपने स्ट्रेस कैलकुलेट की तो वो वैल्यू आई कॉपर के अंदर 6.67 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर विच इज टेंसाइल, और एल्युमिनियम के अंदर जो स्ट्रेसेस आपने कैलकुलेट की वो आ गए 16.6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर विच इज कंप्रेसिव, क्लियर। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि हम इस असेंबली में कितना टेम्परेचर चेंज करें कि फ्री एक्सटेंशन इन एल्युमिनियम बार इतना हो कि वो इस जो रिजिड स्लैब है उसको टच करे, या इस एल्युमिनियम बार के अंदर कोई स्ट्रेस इंड्यूस ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हम केस टू में कैलकुलेट टेम्परेचर राइज की बात करते हैं और एक इक्वेशन बनाते हैं। देखिए हम एल्युमिनियम बार के अंदर फ्री एक्सटेंशन सिर्फ इतना परमिट कर सकते हैं कि वो जो फ्री एक्सटेंशन कॉपर के अंदर हो रहा है वो प्लस 0.18 मिलीमीटर, अगर इसके बराबर है तो फिर एल्युमिनियम बार के अंदर कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगी, ठीक। और वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी, क्या कि फ्री एक्सटेंशन इन कॉपर प्लस 0.18 मिलीमीटर इज इक्वल टू फ्री एक्सटेंशन इन एल्युमिनियम, क्लियर। अब ये क्वेश्चन क्यों बनी वो भी याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अल्फा कॉपर है वो कम है अल्फा एल्युमिनियम से, इस कारण से ये क्वेश्चन बनी है, क्लियर, क्योंकि फ्री एक्सटेंशन होता अगर एल्युमिनियम बार के अंदर तो वो ज़्यादा होता क्योंकि उसका अल्फा ज़्यादा है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसी क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट में आपने सेकेंड कंडीशन ड्राइव की थी उसमें भी यही क्वेश्चन लिखी थी,
बस उसमें क्या किया था आपने, उसमें मुझे पता है कि कॉपर जो बार थी उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हुई थी, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेस का इफेक्ट और इंक्लूड कर दिया था आपने इस राइट साइड में, क्लियर। और इसी तरह से एल्युमिनियम बार के अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस हुई थी वो कौन सी हुई थी, वो कंप्रेसिव हुई थी, इस कारण से कंप्रेसिव स्ट्रेस के इफेक्ट को और इंक्लूड कर दिया था आपने इस राइट साइड में, क्लियर। तो आपको सेम इक्वेशन ही है, बस यहाँ पे स्ट्रेसेस का इफेक्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा अल्फा टीएल और ये वैल्यूज पुट कर दी उधर कॉपर के लिए इधर एल्युमिनियम के लिए, और इन सब वैल्यूज को जब पुट करोगे तो फिर आपके पास में टी की जो वैल्यू आई वो आ गई 38.12 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस असेंबली का टेम्परेचर आप 38.12 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो फिर एल्युमिनियम बार के अंदर कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगी, या एल्युमिनियम बार के अंदर जो फ्री एक्सटेंशन होगा वो सिर्फ इतना होगा कि ये एल्युमिनियम बार इस रिजिड स्लैब को जस्ट टच करेगी, क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, देखिए ए बार ऑफ क्यूबिकल शेप ऑफ साइड लेंथ एल इज कंस्ट्रेंड इन ऑल डायरेक्शन बिटवीन रिजिड सपोर्ट, इफ बार इज हीटेड यूनिफॉर्मली बाई टी डिग्री सेंटीग्रेड देन वॉट विल बी द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन एनी डायरेक्शन, क्लियर। यहाँ पे आपको एक क्यूब दे रखा है जिसकी लेंथ एल है और इसको आपने तीनों डायरेक्शन या छों फेसेस पे, इसके सिक्स फेसेस हैं, सब पे कंस्ट्रेंट कर रखा है, मतलब फिक्स कर रखा है। अब जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिर क्या होगा, ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने सब डायरेक्शन में इसको कंस्ट्रेंट कर रखा है या फिक्स कर रखा है इसलिए एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, और एक्सपेंशन को आपने रेस्ट्रिक्ट किया है इस कारण से इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएंगे, क्लियर। और मैंने इस कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को, ये जो टेम्परेचर चेंज के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस हुई आई, उनको मैंने बोल दिया ये सिग्मा, क्लियर। अब जब ये सब डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है इसका मतलब डेल्टा नेट इज इक्वल टू जीरो होगा किसी भी डायरेक्शन के अंदर, क्लियर। अब मैं इस क्यूब में फ्री एक्सटेंशन तो कैलकुलेट कर ही सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, तो मैंने लिखा फ्री एक्सटेंशन ऑफ क्यूब इन एनी डायरेक्शन जिसे आपने डेल्टा एफ ई बोला विच इज इक्वल टू अल्फा टी एल, ये क्लियर यहाँ तक। अब इसके अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हुई सिग्मा उसके कारण इसमें कुछ कॉन्ट्रेक्शन होगा, और वो कॉन्ट्रेक्शन कितना होगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेन बताता हूँ, स्ट्रेन इन एनी डायरेक्शन, तो मैंने लिखा एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तीनों फेसेस पे स्ट्रेसेस लग रही हैं कंप्रेसिव, तो फिर किसी भी एक डायरेक्शन में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है वो उस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और बाकी दो डायरेक्शन में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर इलोंगेशन देंगी, इसीलिए मैंने इधर इसका साइन पॉजिटिव लिखा तो इन दोनों का नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। और ये जो टर्म है ये लेटरल स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। तो फिर किसी भी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन की वैल्यू आई वो आ गई सिग्मा बाय ई और ब्रैकेट के अंदर 1-2μ, क्लियर। अब चेंज इन लेंथ देखना है किसी भी डायरेक्शन में तो एल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने आपसे कहा कि फ्री एक्सटेंशन जो होता वो और जो स्ट्रेसेस के कारण कॉन्ट्रेक्शन आया वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तभी इसके अंदर नेट चेंज जो है वो जीरो होगा। तो मैंने कंडीशन बना दी कि फ्री एक्सटेंशन माइनस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, और इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर दीजिए, और इस में जब आपने वैल्यूज को पुट किया तो आपको सिग्मा मिल गया, और सिग्मा इज इक्वल टू आया अल्फा टी ई अपॉन 1-2μ, क्लियर। मतलब इस क्यूब के अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो इतनी होगी, यहाँ तक क्लियर। अब टेम्परेचर स्ट्रेस के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब थर्ड पार्ट में, हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बार पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे और गेट में आए हुए क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे।